ईयरफोन और हेडफोन हमारी जिंदगी का आज एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जिसे देखो इन्हें लगाए घूमता दिखता है। वायर्ड और वायरलेस ईयरफोन दोनों की खूब डिमांड है। कोई म्यूजिक तो कोई पॉडकास्ट का मजा लेने के लिए ईयरफोन्स का इस्तेमाल करता है। नौबत यह आ गई है कि लोग दिन में कई घंटों तक कान में ईयरबड्स लगाकर घूमते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं तो सावधान हो जाइए। एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको चौंका देगा। यूपी के गोरखपुर का एक 18 साल का लड़का लंबे समय तक ईयरफोन लगाने के चलते बहरेपन का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय लड़के को कानों में इन्फेक्शन हुआ और सुनने की क्षमता चली गई, जिसके बाद पीड़ित लड़के की 2 सर्जरी की गई है। लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसे दिल्ली लाया गया और दिल्ली में यहाँ डॉक्टरों ने गंभीरता को देखते हुए इम्प्लांट लगाकर सामान्य सुनने की क्षमता को फिर से बहाल किया है। इस पूरे इलाज के प्रोसेस में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आया है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़का 8 से 10 घंटे ईयरफोन का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा वो अपना ईयरफोन दोस्तों के साथ भी शेयर करता था। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि ईयरफोन शेयर करने के चलते ही लड़के की कंडीशन ज्यादा खराब हुई है। इसकी वजह से कानों में इन्फेक्शन हो गया। जब वो ईयरफोन लगाता था तो कान बंद हो जाते थे। इससे कान के अंदर बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद मिली। शुरू में केवल कान में दर्द होता था, लेकिन बाद में कान से डिस्चार्ज भी होने लगा। डॉक्टरों का कहना है कि चाहे आप गाना सुन रहे हो या कॉल पर बात कर रहे हो, 2 से 3 घंटे से ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल सही नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके सुनने की क्षमता कम हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप ईयरफोन लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके कान में नमी बढ़ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है।